तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने टिकटॉक का जो लाइव इवेंट वाला ऑप्शन है उसे कैसे ओपन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टिकटॉक टीम को एक मैसेज करना होगा। तो फर्स्ट में हम चलते हैं टिकटॉक पर। टिकटॉक पर जाने के बाद इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक, फिर सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद हमें लाइव वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक, फिर लाइव इवेंट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आपको जो लाइव इवेंट वाला ऑप्शन है वो ओपन नहीं है। हम बैक चलते हैं, फिर से बैक चलते हैं और नीचे आते हैं, रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक रिपोर्ट लगाना होगा। रिपोर्ट कैसे लगाना होगा, आपको इस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर करना होगा क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों आपको रिपोर्ट लाइव वाले ऑप्शन पर करना होगा क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको इसे नो करना होगा, यस नहीं करना होगा, इसे नो करना होगा। नो करने के बाद फिर नीड मोर हेल्प वाले ऑप्शन पर करना होगा क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक रिपोर्ट लगाना होगा। रिपोर्ट में क्या लिखना होगा, जैसे मैं लिखता हूँ अभी सर लिखो, दोस्तों आपको क्या लिखना होगा, फर्स्ट में लिखना होगा टिकटॉक टीम। क्या लिखना होगा, फर्स्ट में लिखना होगा टिकटॉक टीम, प्लीज सेंड करो माई लाइव इवेंट ऑप्शन इन माई टिकटॉक अकाउंट, प्लीज सेंड। दोस्तों आपको नीचे लिखना आई कांट गो लाइव, आपके से लिखना आई कांट ओपन माई लाइव इवेंट ऑप्शन, नीचे लिखना होगा थैंक्स। और आपको क्या करना होगा, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर करना होगा क्लिक। जब आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपकी जो लाइव इवेंट वाला जो ऑप्शन है वो ओपन होगा। जब तक आपने सर काम नहीं किया, आपका जो लाइव इवेंट वाला ऑप्शन है वो ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।